गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अरियल पढ़ाकू। मैं हूं आपका रीजनिंग ट्यूटर एंड माय नेम इज वरुण। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट चूजिंग द ऑड न्यूमरल, इस पे रिसेंट ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट 2 या 3 ईयर्स में आए हैं। डिस्कस करने के बाद इस वीडियो के एंड में आपको PDF फॉर्म में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और यदि आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन है 13, 17, 23 and 63। और ये जो क्वेश्चन है ये है RRB ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, RRB ग्रुप डी 2018। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू हैव टू चूज द ऑड नंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ नंबर। ये जो आप चार नंबर इसमें देख रहे हैं ABCD ऑप्शन में, आपको इन नंबर्स में से एक ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो ऑड नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिए 13, 17, 23, 63। जब इस नंबर्स को आप लोग एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि 13, 17, 23 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, ठीक है। तो 13 सिर्फ 13 से डिवाइड होता है, 17 सिर्फ 17 से, और 23 सिर्फ 23, इससे नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। लेकिन 63, देखिए 63 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर 63 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 21 आता है। इसका मतलब 13, 17 और 23 ये प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन जो 63 है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले ही एनालाइज करके आपको पता लग गया कि 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर, रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर प्राइम नंबर, देयरफॉर 63 इज अ ऑड। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, ऑप्शन डी एक्सेप्ट 63, ऑल अदर आर प्राइम नंबर्स। यानी कि 63 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 13 हो, 17 हो, 23 हो, वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो आपका ऑड नंबर क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया ऑप्शन डी 63, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर टू है 12, 25, 37 and 49। और ये है क्वेश्चन RRB ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ RRB ALP 2018। और इसमें आपको निकालना क्या है? इसके अंदर आपको ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे लिखे हैं यू हैव टू फाइंड द ऑड नंबर। तो इस ग्रुप ऑफ नंबर को दोबारा हम लोग एनालाइज करते हैं, 12, 25, 37, 49। ध्यान से देखिए आप, 12 जो है वो 3 और 4 से डिवाइड हो सकता है, 25 5 से डिवाइड हो सकता है, 49 7 से डिवाइड हो सकता है, बट 37 से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ये सिर्फ 37 से ही डिवाइड होता है। ध्यान से देखिए 49 भी 7 से डिवाइड होता है, 25 5 से डिवाइड होता है, 12 3 4 2 सबसे डिवाइड होता है, बट 37 अपने छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब 37 क्या है? 37 इज द ओनली प्राइम नंबर इन दिस ग्रुप। तो इसमें ऑड वर्ड क्या आ गया? ऑड वर्ड, ऑड नंबर क्या आ गया? ऑड नंबर आया 37। क्यों? 37 इज द ओनली प्राइम नंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन सी, 37 इज द ओनली प्राइम नंबर इन द ग्रुप। कि इस ग्रुप के अंदर 37 अकेला प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो ऑड नंबर हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन सी 37। बाकी सारे जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 49 डिवाइड हो जाता है 7 से, 25 5 से, और 12 जो होता है वो 2 3 4 सबसे डिवाइड होता है। इसलिए ऑड नंबर क्या है? 37, बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा ध्यान से। चूजिंग द ऑड नंबर, ऑड नंबर ही हमको फाइंड आउट करना है। और ये है
295, 381, 552 एंड 729। ध्यान से देखिए, 295, 381, 552, 729। और ये जो क्वेश्चन है ये है एसएससी सीएचएसएल 2018। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, 295, 381, 552, 729। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि आपको नंबर्स को देख के ही, नंबर का यूनिट डिजिट देखिए 9215, नंबर्स को देख के ही आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो ऑड नंबर है वो क्या होगा, 552। 552 ऑड नंबर क्यों होगा, क्योंकि देखिए 552 एक इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब कि 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 729, 381, 295 ये क्या है, ये ऑड नंबर्स है। ध्यान से देखिए, 552 एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, लेकिन 729, 381, 295 ये क्या है, ऑड नंबर्स है। इसका मतलब इसमें ऑड नंबर क्या हुआ, पूरे के पूरे ग्रुप में ऑड नंबर क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ 552, बिकॉज 552 इज एन इवन नंबर। तो हम यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन, एक्सेप्ट 552, ऑल द अदर नंबर्स आर ऑड। कि 552 को छोड़ के बाकी जो सारे नंबर्स हैं वो क्या है, ऑड है, लेकिन 552 क्या है, इवन नंबर है। तो इसमें ऑड क्या हो गया, ऑड हो गया ऑप्शन सी 552। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे, कि क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन फोर्थ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन फोर्थ क्या है, 25, 36, 78 एंड 144। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका अगेन एसएससी सीएचएसएल 2017 में, एसएससी सीएचएसएल 2017 पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, 25, 36, 78, 144। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 25, 36, 144 ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, अगर हम 25 का स्क्वायर रूट करें तो 5 आता है, 36 का स्क्वायर रूट करें तो 6 आता है, 144 का स्क्वायर रूट करें तो 12 आता है, लेकिन 78 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, वो पॉइंट में निकल के आता है, फ्रैक्शन में या पॉइंट में आप कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, 25 का स्क्वायर रूट 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, सिमिलरली 144 का स्क्वायर रूट 12 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन 78 का ऐसा कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं निकल के आता है, अंडर रूट इसका पॉइंट में निकल के आता है। इसका मतलब ऑड नंबर क्या हो गया इसके अंदर, इसके अंदर जो ऑड नंबर हुआ वो हुआ 78, बिकॉज 78 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन होगा सी, एक्सेप्ट 78, ऑल द अदर नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, ऑल द अदर नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 78 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 25 हो, 36 हो, 144 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर है, 78 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें ऑड नंबर क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ ऑप्शन सी 78। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिए, 48, 12, 36, 48, 12, 36 एंड 59। और ये जो क्वेश्चन है ये आया है हरियाणा पुलिस 2018, हरियाणा पुलिस 2018 का ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या नंबर है हमारे पास 48, 12, 36, 59 एंड वी हैव टू फाइंड द ऑड नंबर। ये जो चार नंबर का ग्रुप है इसमें से मुझे ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए 48 का जो यूनिट डिजिट है 8, ये 4 का ट्वाइस है, 8 है यूनिट डिजिट और जो टेंथ डिजिट है वो क्या है 4, तो 8 जो है वो 4 का ट्वाइस है बिकॉज 4 × 2 = 8 होता है। 12 को ध्यान से देखिए, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो है 2 और टेंथ डिजिट है वो है 1 और जो यूनिट डिजिट यानी कि ये जो 2 है ये क्या है 1 का ट्वाइस है 1 × 2। 36 को देखिए, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो है 6 और जो टेंथ डिजिट है वो है 3, तो ये जो यूनिट डिजिट है वो टेंथ डिजिट का ट्वाइस है यानी कि 6 जो है वो 3 का ट्वाइस है 3 × 2 = 6। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर देखिए जरा 9 जो है वो 5 का ट्वाइस नहीं है क्योंकि 9 इसका यूनिट डिजिट पर है और 5 टेंथ डिजिट पर है, बट 9 जो है वो 5 का ट्वाइस नहीं है बिकॉज 5 का ट्वाइस क्या होता है 5 का ट्वाइस होता है 10, 5 × 2 = 10। इसका मतलब आपका जो ऑड नंबर है यहां पर वो है 59। क्यों है ध्यान से देखिए, यहां पर जो यूनिट डिजिट है 8 वो टेंथ डिजिट 4 का ट्वाइस है, यहां पर जो यूनिट डिजिट है 2 वो टेंथ डिजिट 1 का ट्वाइस है, यहां पर जो यूनिट डिजिट है 6 वो टेंथ डिजिट 3 का ट्वाइस है, लेकिन यहां पर जो यूनिट डिजिट है 9 वो टेंथ डिजिट 5 का ट्वाइस नहीं है क्योंकि 5 का जो ट्वाइस होता है वो होता है 10, लेकिन यहां पर वो उसका ट्वाइस नहीं है। तो इसका मतलब 59 क्या हो गया आपका ऑड नंबर हो गया। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑप्शन डी हम लिखेंगे, एक्सेप्ट 59 इन ऑल द नंबर्स, एक्सेप्ट 59 इन ऑल द नंबर्स द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द टेंथ डिजिट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सारे नंबर्स को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट 59 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स में क्या है जो यूनिट डिजिट है वो टेंथ डिजिट के डबल है, लेकिन 59 में ऐसा नहीं है, तो 59 क्या हो गया इसका, 59 ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 751 734 981 एंड डी ऑप्शन इज 853। और ये जो क्वेश्चन है ये है UPPSC 2018 ये क्वेश्चन UPPSC 2018 में आया है और इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको वो नंबर निकालना है जो नंबर इस ग्रुप के अंदर ऑड है, जो नंबर इस ग्रुप के अंदर फिट नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए वो नंबर हम लोग कैसे देखते हैं, 751 734 981 853। आप इन नंबर्स में जरा देखिए, 751 पहले यहां पर हम 734 देखते हैं। देखिए 734 क्या है, अगर मैं 7 में से 4 माइनस कर दूं तो मुझे 3 मिलता है, यानी कि मैं जो एक्सट्रीम पे जो डिजिट्स हैं 7 और 3 इन दोनों को, यानी कि फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को मिडल डिजिट मिल जाता है 3 बिकॉज 7 माइनस 4 इज 3। सिमिलरली फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट 9 माइनस 1 में कर दूं तो मुझे मिलता है मिडल डिजिट दैट इज 8। सिमिलरली इसके अंदर फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट यानी कि 8 माइनस 3 कर दूं तो मुझे मिलता है मिडिल डिजिट 5। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है क्योंकि अगर मैं इसमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट यानी कि 7 में से 1 माइनस करूं तो मुझे 6 मिलता है, 5 नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं, 734 पे फर्स्ट डिजिट 7 थर्ड डिजिट 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 4 3 मिलेगा मिडिल डिजिट के बराबर। फर्स्ट डिजिट 9 सेकेंड थर्ड डिजिट 1 9 माइनस 1 करेंगे तो मिडिल डिजिट मिलेगा आपको 8। इसमें फर्स्ट डिजिट 8 थर्ड डिजिट 3 8 माइनस 3 करेंगे आपको मिडिल डिजिट मिलेगा दैट इज 5। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए में क्या है 7 माइनस 1 6 होना चाहिए लेकिन यहां पर मिडिल में क्या है 5 है। इसका मतलब ऑप्शन ए 751 इज अ ऑड नंबर। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए।
ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 751 इन ऑल द अदर नंबर्स, एक्सेप्ट 751 इन ऑल द अदर नंबर्स द मिडल डिजिट, द मिडल डिजिट इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, ऑड वन, ऑड वन हुआ 751 बिकॉज एक्सेप्ट 751, 751 को छोड़ के इन ऑल द अदर नंबर, बाकी सभी नंबर्स में द मिडल डिजिट इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। जो मिडल डिजिट है वो फर्स्ट और थर्ड डिजिट का डिफरेंस है, किसको छोड़ के, 751 को छोड़ के, इन ऑल द अदर नंबर, बाकी नंबर्स में द मिडल डिजिट इज द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। तो इसके अंदर ऑड नंबर क्या हो गया, इसके अंदर ऑड नंबर हो गया 751। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 131 151 161 एंड 171। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2018, ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस 2018 का क्वेश्चन। तो इसमें आपको ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इन चारों नंबर्स को जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए 131, अगर मैं इसके तीनों डिजिट का सम निकाल दूं, 3 + 1 + 1 तो कितना आता है 5, 151, अगर मैं इसके सारे डिजिट का सम निकाल दूं कितना आता है 1 + 5 + 1 यानी कि 7, अगर मैं 171 का सारे डिजिट का सम निकालूं तो 1 + 7 + 1 ये कितना आता है 9। ध्यान से देखिए इधर आता है सम वो कितना आता है 5, इधर आता है 7, इधर आता है 9, यानी कि सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। इसका सम है 5 ऑड नंबर, इसका सम है 7, सारे डिजिट का सम है 7 इज एन ऑड नंबर, इसके सारे डिजिट का सम है 9 वो भी क्या है ऑड नंबर। बट 161 देखिए जरा, 161 में 1 + 6 + 1 यानी कि तीनों डिजिट का सम कितना आता है 8, 6 + 1 + 1 8, लेकिन 8 क्या है इवन नंबर है, तो इसका मतलब 161 हमारा ऑड है। तो 161 ऑड कैसे हुआ, क्योंकि 161 के डिजिट का सम जो है, 161 के डिजिट का सम जो है वो है इवन, तो ये ऑड नंबर हो गया है पूरे ग्रुप के अंदर। लेकिन बाकी चाहे 171 हो, चाहे 151 हो, चाहे 141 हो, उनके डिजिट का सम जो है वो है ऑड। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर जो ऑड नंबर है दैट इज 161। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सी, तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट 161 इन ऑल द अदर नंबर्स, एक्सेप्ट 161 इन ऑल द अदर नंबर्स द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स आर ऑड, सॉरी द सम ऑफ द डिजिट इज ऑड। ठीक है, तो सिर्फ 161 को छोड़ के जिसके डिजिट का सम इवन है, बाकी सारे नंबर्स चाहे वो 171 हो, 151 हो, 131 हो, इनके जो डिजिट का सम है वो ऑड है। तो इस ग्रुप के अंदर जो ऑड न्यूमरल हुआ, जो ऑड नंबर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन सी 161। और सॉल्यूशन क्या है, एक्सेप्ट 161 इन ऑल द अदर नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स आर, सॉरी द सम ऑफ द डिजिट इज ऑड। ठीक है, तो इसमें ये ऑड नंबर हो गया। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका क्या कह रहा है, वो है 8314 2709 अगेन 1315 एंड 1315 एंड डी ऑप्शन इज 2518 2518। और ये क्वेश्चन है एमपी पुलिस 2018,
ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है और इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर भी हमको इन ग्रुप ऑफ नंबर्स में से ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस नंबर को देखूं, ठीक है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट, ठीक है, इनका सम निकाल लूं, 7 + 2 + 0 कितना होता है, 9 के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री डिजिट्स वो 4 डिजिट के बराबर है। यहां तक क्लियर हुआ, 7 + 2 + 0 = 9, यानी कि पहले तीन डिजिट का सम चौथे डिजिट के बराबर है। अब जरा हम लोग इस नंबर को देखते हैं, पहले तीन डिजिट 1, 3, 1 इनका सम 1 + 3 + 1 = 5 चौथे डिजिट के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग ये नंबर देखते हैं, पहले थ्री डिजिट 2, 5, 1, 2 + 5 = 7, 7 + 1 = 8, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री डिजिट किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो बी सी और डी ऑप्शन में हम लोगों ने एक चीज देखा कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के अंदर पहले तीन डिजिट का जो सम है वो 4 डिजिट के बराबर है, पहले तीन डिजिट का सम जो है 4 डिजिट के बराबर है, पहले तीन डिजिट का सम जो है 4 डिजिट के बराबर है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए, पहले तीन डिजिट 8, 3, 1, 8 + 1 = 9 + 3 = 12, तो यहां पर 12 के बराबर वो नहीं है, क्योंकि यहां पर जो 4 डिजिट है वो क्या है, 4 है, तो 8 + 3 + 1 का जो सम है वो 4 के बराबर होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। तो ध्यान से देखिए, बाकी सारे ऑप्शंस में बी सी डी में पहले तीन डिजिट का सम जो है चौथे डिजिट के बराबर है, लेकिन ऐसा ऑप्शन ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए जो है वो आपका ऑड है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन ए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट 8, 3, 1, 4 इन ऑल द अदर नंबर्स, एक्सेप्ट 8, 3, 1, 4 इन ऑल द अदर नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट थ्री डिजिट्स, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री डिजिट्स इज equal to the fourth digit, is equal to the fourth digit। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, इन तीन options में B, C, D में पहले तीन digit का सम जो था, पहले तीन digit का सम वो चौथे digit के बराबर था, लेकिन ऐसा जो है A option में नहीं है, क्योंकि A option में first three digit का सम जो है वो four digit के equal नहीं है। तो आपका यहाँ पर odd number क्या हो गया, यहाँ पर odd number हुआ 8, 3, 1, 4। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 9 क्या है, 50, 66, 32, 48, 64, 80 एंड डी ऑप्शन इज, जो इसका डी ऑप्शन वो है 63, 77। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल 2018 का। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको ऑड पेयर, ऑड नंबर का पेयर जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 50, 66 को देखूं, तो इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं 50 में 16 ऐड कर दूं, 50 + 16 तो मुझे 66 मिलता है। ठीक है, ये वाला पेयर देखिए, अगर मैं 32 में 16 ऐड कर दूं, 32 + 16 तो मुझे 48 मिलता है। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, अगर मैं 64 में अगेन 16 ऐड कर दूं, मीन 64 + 16 तो मुझे क्या मिलता है, 64 + 16 = 80। बट यहां पर देखिए, यहां पर 63 में 16 ऐड करने पे आपको 77 नहीं मिलता है, अगर आप 63 में 16 ऐड करते तो आपको 79 मिलता, और लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है 77। तो दोबारा जरा ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए का मतलब 50 में मैं 16 ऐड करूं तो 66, 32 में 16 ऐड करूं तो 48, 64 में 16 ऐड करूं तो 80 मिलता है, लेकिन जब मैं 63 में 16 ऐड करता हूं तो मुझे 79 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 77। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है, ये ऑड नंबर का ऑप्शन है।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन डी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन डी, तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट 6377 इन ऑल द अदर पेयर्स ऑफ नंबर, इन ऑल द अदर पेयर ऑफ नंबर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड, द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 16 टू द फर्स्ट नंबर, द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 16 टू द फर्स्ट नंबर, कि यहां पर जो दूसरा नंबर हमको मिला है वो कैसे मिला है, पहले नंबर में 16 ऐड करके, जैसे 66 मिला 50 में 16 ऐड करके, 48 मिला 32 में 16 ऐड करके, 80 मिला 64 में 16 ऐड करके। लेकिन अगर हम लोग 63 में 16 ऐड करते हैं तो हमको 79 मिलना चाहिए, लेकिन हमको यहां पर क्या मिल रहा है, 77। तो ये जो है ये आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 70 80, बी ऑप्शन इज 54 62, सी ऑप्शन इज 28 32, एंड डी ऑप्शन इज 21 24। ये जो क्वेश्चन है ये है SSC CGL 2018 का, ये क्वेश्चन है SSC CGL 2018 का। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 70 80 को देखते हैं तो इन नंबर्स का रेशियो क्या होता है, 7:8। 70 80 का रेशियो क्या होता है, 7:8। आप जरा अब सेकंड नंबर जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं 28 32, इसका भी अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो, लोअर फ्रैक्शन में लेके आते हो, तो इसका भी रेशियो क्या होता है, 7:8, ठीक है। सिमिलरली 21 और 24 को देखिए, अगर मैं दोनों नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो भी रेशियो क्या आता है, 7:8। लेकिन यहां पर 54 62, ये जो 54 62 है इसको आप जब लोएस्ट फ्रैक्शन में लेके आते हैं, लोएस्ट नंबर में लेके आते हैं, तो ये 7:8 नहीं आता है, ठीक है। ये होता है 7:8, ये भी 7:8, 21 24 भी 7:8, लेकिन 54 62 ये 7:8 नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इन ऑल द पेयर्स एक्सेप्ट 54 62, इन ऑल द पेयर्स एक्सेप्ट 54 62, द रेशियो ऑफ both the numbers is 7:8, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑप्शन बी यानी कि 54 62 को छोड़ के 70 80 का भी रेशियो 7:8, 28 32 का रेशियो भी 7:8, एंड 21 24 का रेशियो भी 7:8 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी इज द ऑड नंबर पेयर्स ऑफ दिस ग्रुप, कि ऑप्शन बी जो है वो क्या है, वो ऑड है। ऑप्शन बी में क्या है, 54 62। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, ये है 14 12 अगेन 24 7 37 4 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 42 4। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है SSC CGL 2018। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें चार ऑप्शन है, दो दो के पेयर्स है, ठीक है ना, दो नंबर का पेयर है और चार पेयर आपको दे रखे हैं टोटल ABCD। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं,
इफ आई मल्टीप्लाई 14 एंड 12, यानी कि 14 एंड 12 का प्रोडक्ट कितना होता है, वो होता है 168. 14 इंटू 12 168. आप देख सकते हैं अगर मैं 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आता है 168. ठीक है, सिमिलरली 24 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 24 और 7 का प्रोडक्ट निकालूं तो वो भी आता है 168. ठीक है, अगेन हम लोग आते हैं ऑप्शन डी में. ऑप्शन डी का मतलब अगर मैं 42 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 42 इंटू 4 यानी कि 42 और 4 का प्रोडक्ट निकालूं तो वो भी आता है 168. बट अगर मैं ऑप्शन सी में जो पेयर है वो क्या है, 37 एंड 4, अगर मैं 37 और 4 का प्रोडक्ट करूं तो वो 168 नहीं आता. यहां तक क्लियर है? देखिए ऑप्शन ए 14 इंटू 12 168, ऑप्शन बी 24 इंटू 7 168, ऑप्शन डी 42 इंटू 4 168, लेकिन 37 इंटू 4 इज नॉट इक्वल टू 168. 37 और 4 का प्रोडक्ट 168 के बराबर कभी भी नहीं होता. इसका मतलब आपका जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या हुआ, ऑड नंबर पेयर क्या हुआ, ऑप्शन सी. तो हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन ऑप्शन सी. तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट 37 4, इन रेस्ट ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 168. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 168. यानी कि 37 4, यानी कि ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन में जो नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या है, 168. लेकिन 37 और 4 का प्रोडक्ट 168 नहीं है. तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द ऑड, ऑप्शन सी जो है इसमें वो ऑड न्यूमरल है. ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए 42 4, बी 36 6, सी 32 2, डी 15 5. और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये LIC AO 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, LIC AO 2018. ये जो क्वेश्चन है वो LIC AO 2018 का क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखते हैं, 42 4, 36 6, 32 2 एंड 15 5. ध्यान से देखिए, अगर मैं 36 6 को देखूं, सो 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. जो पहला नंबर है 36 वो 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 के टेबल में 36 आता है, 6 into 6 36. क्लियर हुआ आपको कि जो फर्स्ट नंबर है 36 वो सेकंड नंबर 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 के टेबल में 36 आता है, 6 into 6 36. अब ये देखिए 32 2, जो पहला नंबर है 32 वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 32 जो होता है वो 2 के टेबल में आता है, 2 into 16 32. यहां तक क्लियर है, 2 into 16 32. अगेन ये नंबर देखिए 15 and 5, जो पहला नंबर है 15 वो दूसरे नंबर 5 के टेबल में आता है, बिकॉज 5 into 3 15. तो ध्यान से देखिए, 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. लेकिन जो ऑप्शन ए है आपका 42 4 42 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता है. 42 4 का मतलब 42 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 42 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. 42 जो है वो 4 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 36 6 का मल्टीपल है, 32 2 का मल्टीपल है, 15 5 का मल्टीपल है. तो हमारा ऑड पेयर क्या हुआ, ऑड नंबर पेयर हुआ ऑप्शन ए. तो हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन ए. ठीक है, हम लोग लिखेंगे इन ईच ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स एक्सेप्ट 42 4, द सेकेंड नंबर इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर.
द सेकेंड नंबर इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर। तो ध्यान से देखिए बेटा कि मैंने सारे पेयर देखे, लेकिन सभी पेयर्स में से पेयर वन को छोड़ के, पेयर वन को छोड़ के, सॉरी सॉरी इसमें आएगा बेटा द फर्स्ट नंबर इज द फर्स्ट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से देखिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का मल्टीपल है, तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑप्शन ए को छोड़ के यानी कि 424 को छोड़ के बाकी जितने भी पेयर्स हैं उसमें जो पहला नंबर है वो सेकेंड नंबर का मल्टीपल है। 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, वेयर एज 42 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां पर ऑड नंबर पेयर क्या हुआ, ऑड नंबर पेयर हुआ 42 4। तो यहां पर हमने आंसर में भी लिखा ऑल द पेयर ऑफ नंबर एक्सेप्ट 42 4, द फर्स्ट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट 10, बी पार्ट 38, सी पार्ट 6, 35, डी पार्ट 7, 50। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है SSC CGL 2019, SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है। तो ये जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेयर देखते हैं 10। ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, 0। ठीक है, ये वाला पेयर देखिए 3938, 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, 8, बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 क्या होता है, 8। यहां पर देखिए सी ऑप्शन, 6 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 35, 6 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 35, बिकॉज 6 स्क्वायर इज 36 एंड 36 माइनस 1 इज 35। लेकिन यहां पर देखिए 7 स्क्वायर माइनस 1 होता है 48, जो कि 50 के इक्वल नहीं है। तो आपको अब लॉजिक तो पता लग गया होगा, वो क्या है कि 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 3 स्क्वायर माइनस 1 8, 6 स्क्वायर माइनस 1 35, लेकिन 7 स्क्वायर माइनस 1 48 आता है जो कि 50 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका जो ऑड नंबर पेयर होगा वो होगा ऑप्शन डी 750। क्यों हो रहा है, सभी पेयर्स के अंदर, सभी पेयर्स के अंदर जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। द सेकंड नंबर इज 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, द सेकंड नंबर इज 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, द सेकंड नंबर इज 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो, लेकिन यहां पर ये पैटर्न फॉलो ऑप्शन डी में नहीं होता, तो ऑप्शन डी क्या है आपका, ऑड। तो इसमें हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन ऑप्शन डी। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट 750 इन ऑल द अदर पेयर ऑफ नंबर्स, इन ऑल द अदर पेयर ऑफ नंबर्स द सेकेंड नंबर इज 1 लेस देन, 1 लेस देन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, 1 लेस देन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो देखिए तो यहां पर क्या आता है, जितने भी बाकी ऑप्शन से ऑप्शन डी को छोड़ के उसमें जो नंबर ऑफ नंबर पेयर था उसमें क्या था, सेकंड नंबर जो था वो पहले नंबर के स्क्वायर से एक कम था। तो सेकंड नंबर इज 1 लेस देन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज 1 लेस देन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज 1 लेस देन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन डी वाला जो पेयर है वो हमारा हो जाएगा ऑड न्यूमरल का पेयर। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, कि क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 14, ए ऑप्शन 71 7 3 17, बी ऑप्शन 67 71 3
एंड 5, सी ऑप्शन 4, 41, 5, 3 एंड 47, डी ऑप्शन 37, 14, 19 एंड 7। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है IBPS PO 2018, IBPS PO 2018। तो ये क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन के अंदर चार ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, ABCD, चार ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, और हर एक ग्रुप में चार चार नंबर्स, हर एक ग्रुप में चार चार नंबर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से हम ऑड वर्ड ऑड या सॉरी ऑड नंबर ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखिए 71, 73, 17 सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं और किसी के टेबल से नहीं जाते हैं। तो 71, 73, 17 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं। ऑप्शन बी देखिए 67, 71, 3, 5 ये भी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, चाहे वो 61 हो, 71 हो, 3 और 5 हो, ये भी सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है 41, 5, 3, 47 ये चारों नंबर्स भी प्राइम नंबर्स हैं, चाहे वो 41 हो, 5 हो, 3 हो या 47 हो, ये चारों नंबर्स भी प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं। अब ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में 37, 19 और 7 ध्यान से देखिए 37, 19 और 7 ये तो प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि 37, 19 और 7 ये सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं, लेकिन 14 ये नंबर आप देखिए 14 ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 7 के टेबल में भी आता है और 14 से तो ये डिवाइड होता ही है। तो हम लोगों ने क्या देखा, बाकी तीनों पेयर्स में, तीनों ग्रुप ऑफ नंबर्स में, चाहे वो ए हो, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी हो, चारों चारों जो नंबर है वो सारे के सारे प्राइम नंबर से। लेकिन जब हम लोगों ने ऑप्शन डी को देखा, ऑप्शन डी में 37, 19 और 7 ये तो प्राइम नंबर्स थे, लेकिन जो 14 है ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि जो 14 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। तो 14 क्या हुआ, 14 हुआ हमारा एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, 14 क्या हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके अपने अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भले ही सारे के सारे प्राइम नंबर्स हों, लेकिन यहां पर जो 14 है ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो आपको पता लग गया कि ऑप्शन डी जो है वो ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स का, सॉरी वो जो ग्रुप ऑफ नंबर है वो ऑड है इन चारों ग्रुप्स को अगर हम लोग देखें, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे ऑप्शन डी, इसमें लिखेंगे इन ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स, इन ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स एक्सेप्ट डी ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर, ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, वेयर एज इन ऑप्शन डी, वेयर एज इन ऑप्शन डी 14 इज अ कंपोजिट नंबर। ऑप्शन डी में जो 14 है वो क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लोगों ने देखा कि चाहे वो ग्रुप जो है ऑप्शन ए बी सी वाला ग्रुप हो, सारे सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ऑप्शन डी में 37, 19, 7 एक प्राइम नंबर तो है, लेकिन जो 14 है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है और 14 से डिवाइड तो होता ही है। तो 14 एक प्राइम नंबर ना होके एक कंपोजिट नंबर। तो हम लोग ने क्या बोला, जो ऑड ग्रुप ऑफ नंबर है वो होगा, ऑड ग्रुप ऑफ नंबर होगा वो होगा ऑप्शन डी में, किसकी वजह से, सिर्फ 14 की वजह से, क्योंकि 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 14 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, कि क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 15। इसका ए ऑप्शन है 1, 5, 2, बी ऑप्शन है 7, 1, 1, 3, 8, सी ऑप्शन है 2, 24 एंड डी ऑप्शन है वो क्या है
थ्री 17 4। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है SBI PO 2018। दिस क्वेश्चन इज ऑफ SBI PO 2018। और इस क्वेश्चन में हमको ऑड पेयर ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर मिलकर फाइंड आउट करने हैं। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसके अंदर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखिए, 1 ब्रैकेट में 5 2। अगर मैं कर दूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो आता है 5। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। सेकेंड नंबर जरा देखिए ध्यान से, अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन बी 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आता है अगेन 113, बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, एंड 49 प्लस 64 कितना होता है 113। ठीक है, अब जरा सी ऑप्शन पे आइए, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 होता है, बिकॉज 2 स्क्वायर होता है 4, 4 स्क्वायर होता है 16, तो 4 प्लस 16 कितना होता है 20, ये एकदम सही है। लेकिन अगर हम लोग करते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो कितना होता है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो वो होता है 27, एंड 27 इज नॉट इक्वल टू 17। तो आपको लॉजिक तो पता लग गया होगा, वो क्या है कि जो पहला और जो थर्ड डिजिट है, फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट, उनके स्क्वायर का सम मिडिल डिजिट के बराबर है जो कि ब्रैकेट में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट, इनके स्क्वायर का सम मिडिल डिजिट के बराबर है। फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट, इनके स्क्वायर का सम मिडिल डिजिट के बराबर है। लेकिन ऑप्शन डी में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर और थर्ड डिजिट का स्क्वायर मिडिल डिजिट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो ऑड है वो क्या है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज ऑड, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट ऑप्शन डी इन ऑल द अदर ग्रुप ऑफ नंबर्स, इन ऑल द अदर ग्रुप ऑफ नंबर्स द मिडल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो इसका मतलब द मिडल नंबर इज इक्वल टू द, इन ऑल द अदर, ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप्स में जो तो मिडल नंबर ब्रैकेट में है इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो सारे ऑप्शंस में ऑप्शन डी को छोड़ के जो मिडल नंबर है वो दोनों पहला और थर्ड नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या होता है, वो होता है ऑप्शन डी।